द ट्रेंड्स फॉर द बी जे पी इन द छत्तीसगढ़ नाइन्टी असेंबली सीट हैव बिन वेरी फॉर्चुनेट फेवरेबल एंड इवन अ लिटिल अनप्रडिक्टेबल स्पेशली आफ्टर द एग्जिट पोल्स ज्वाइनिंग मी राइट नाउ इज छत्तीसगढ़ बीजेपी को इंचार्ज एंड एक्स मिनिस्टर नितिन नवीन थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अर सर सर एग्जिट पोल के बाद जिस तरीके से बीजेपी के नंबर अर्ली ट्रेंड में और छत्तीसगढ़ के अंदर स्पेशली आने शुरू हुए हैं वो काफी लोगों को तो उन्होंने अपसेट किया ही है बट बीजेपी जो अपनी लाइन मेंटेन कर रही थी छत्तीसगढ़ को लेके कॉन्फिडेंस दिखा रही थी उसमें उसने काफी अपना भरोसा दोबारा दिखाया है कि ऐसी लेकिन क्या चीज़ें रही थी जो जो बीजेपी ने सोचा इस बार कांग्रेस के जितने भी वादे स्पेशली जो उनका नारा था अब बार पिचहत्तर को पार उसको भी हरा दिया देखिए एक पूरे छत्तीसगढ़ में एक नेगेटिव था कि छत्तीसगढ़ किसानों का स्टेट है और किसान कांग्रेस के साथ हैं सबसे पहले यह मिथक टूटा किसान पूरी तरह से भाजपा के साथ हैं और नरेंद्र मोदी पर उनको विश्वास है और जब हम लोगों ने एम के विषय को भी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रखा तो जनता में ये विषय गया भी कि 80 परसेंट की राशि केंद्र की है और मात्र 20 परसेंट की राशि राज्य सरकार की है साथ ही साथ किसानों को जिस प्रकार से उसने ठगने का काम किया खाद की जगह पर मिट्टी दिया गया गाय के गोबर में घोटाला हुआ तो ये सब मुद्दे किसानों के बीच में जा रहे थे जब गंगा जल का अपमान का विषय आया कि हम शराबबंदी करेंगे गंगा जल का कसम खाया तो महिलाओं में ये विषय पूरी तरह से उतर गया बेरोजगारी भत्ता की बात आई तो युवाओं को ठगने का काम किया गया पूरे साढ़े चार साल सरकार सोई रही अंतिम तीन महीने में कई कानून पेच लगा कर कुछ युवाओं को भत्ता देने का काम किया तो युवाओं को भी पूरी तरह से उसका आक्रोश देखने को मिला बाद में पी घोटाले के माध्यम से भी युवाओं में आक्रोश दिखा और इन मुद्दों पर भाजपा फोर फ्रंट पर लड़ती रही साथ ही साथ आप जब देखेंगे कि पूरे चुनाव के समय में पहले से एक मूल आवास मूल अधिकार का विषय था जो प्रधानमंत्री आवास योजना का बारह लाख आवास यहाँ का छीनने का काम यहाँ की सरकार ने किया था केवल भूपेश का नाम का सिलापट नहीं लग रहा था इसलिए बारह लाख लोगों का गरीब का आवास छीन लिया गया पैसा लौटा दिया गया तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी जब भाजपा ने फोर फ्रंट पर लड़ा तो जनता पूरी तरह से भाजपा के साथ आ रही थी और जब परिवर्तन यात्रा का दौर चला हम लोगों ने बड़ी यात्राएं निकाली दो दो उन यात्राओं में जब जनमानस पूरी तरह से हमारे साथ खड़ा होने लगा तो हमें विश्वास जग गया था कि हाँ हमारी सरकार बनेगी और जब घोषणा पत्र की बारी आई तो भाजपा ने जहाँ महिलाओं को एड्रेस किया युवाओं को एड्रेस किया किसानों को एड्रेस किया और उनके मुद्दों के साथ भाजपा के मुद्दों में भरोसा दिखा जहाँ एक और छत्तीस वादों से जब उनकी सरकार बनी थी कोई वादे पूरे हुए नहीं दिखते थे और एक तरफ मोदी जी का गारंटी था जो जनता को भरोसा था कि मोदी जी ने कहा है तो इसको पूरा करेंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी करके दिखाया है तो कहीं ना कहीं ये सारे विषय थे कार्यकर्ताओं का संघर्ष रहा और मुद्दों में भाजपा हमेशा अपने विश्वास के साथ गई तो इसका परिणाम हुआ कि आज ये रिजल्ट आया है और मैं शुरू से कहता था कि भाजपा को छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी ज़मीन है जनता का भरोसा है कार्यकर्ताओं का यहाँ पूर, पूरी तरह संगठन संरचना है तो निश्चित रूप से अपनी सरकार बनेगी और आज जो परिणाम दिख रहे हैं पूरी तरह से भाजपा को भरोसे को कायम कर रहे हैं तो एक महादेव का ऐप का जो इशू था उसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा मुद्दे रहे हैं जिसमें लोगों का भरोसा दोबारा से आया है भाजपा के लिए जहां तक हम ओबीसी फैक्टर की बात करते हैं बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन रहा है स्टेट में भी सिटी टिकट अलॉटमेंट में भी तो इस समय अब रिजल्ट ऐसे आए हैं क्या लगता है कि सीएम एम फेस के लिए टॉप कंटेंडर्स कौन रहेंगे देखिए ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा लेकिन निश्चित रूप से भाजपा ने ओबीसी को एससी को एसटी को हर वर्ग को सीट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया और हम कह सकते हैं कि हर समाज को लगा कि नहीं भाजपा हमारे साथ है इसी का प्रतिफल हुआ कि हर वर्ग और समाज ने खुलकर भाजपा को वोट किया कई कई ऐसी सीटें उनके सारे मंत्री हार रहे हैं और बड़े अंतर से हार रहे हैं तो ये दिख रहा है कि भाजपा को किस प्रकार से समर्थन मिला है छत्तीसगढ़ में और आपने जो कहा पाँच करोड़ का महादेव है ऐसे एक ही घोटाले नहीं थे चावल घोटाला शराब घोटाला पच्चीस रुपये का कमीशन माइनिंग में पहुंचना सीएम तक तो ये सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे भूपेश पर चिपक चुके थे जनता को दिख गया था कि ये पूरा परिवार के लिए ही संपत्ति अर्जित कर रहा है तो ये जनता इसके आक्रोश में थी और उसका प्रकटीकरण हुआ है